वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदार कस्टम्स और FBR के अमूर से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कस्टम्स का शोबा पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। FBR में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटलाइजेशन हमारी मुआशी बका का मसला है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान कस्टम्स और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवन्यू के अमूर से मुतालिक इजलास हुआ। FBR में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटलाइजेशन हमारी मुआशी बका का मसला है, वज़ीर आज़म ने कहा। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि FBR और दीगर इदारों में इस्लाहती मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट यकीनी बनाया जाए। इसी हवाले से जानेंगे। औरंगज़ेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगज़ेब, बताइएगा क्या इस इजलास में मुशावरत हुई है और क्या हम फैसले किए गए? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो पाकिस्तान कस्टम्स और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुतालिक जो है वो इजलास हुआ। इजलास में जो है वो पाकिस्तान कस्टम्स के अमूर और इजलास पर जो है ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इजलास के शुरका को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान कस्टम्स के मामला मुकम्मल तौर पर खुदकार निज़ाम पर मुंतकिल किए जा चुके हैं, जबकि कस्टम निज़ाम में इजलास के लिए बैन अल-अक़वामी मयार की जो माहिरीन है उनकी खिदमात हासिल की जा चुकी है। जब इन इस्लाहात के जरिए नया सिस्टम लाया जाएगा जो जदीद तरीन मसनू जहानत पर मबनी होगा। इस मौके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत देते हुए कहा कि कस्टम ऑपरेशन ठीक है। बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब काकड़ तमाम तफसीलात के लिए।